हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेके आई हूँ एक बहुत ही पसंदीदा स्टार्टर रेसिपी, दैट इज़ हरा भरा कबाब। हरा भरा कबाब में मैं आज चिकन यूज़ करने वाली हूँ एंड इसको मैं बेक करके बनाने वाली हूँ। इसको मैं बिल्कुल भी डीप फ्राई नहीं करने वाली हूँ। सो गाइस, स्टे ट्यून्ड टू नो हाउ टू मेक बेक वर्जन ऑफ हरा भरा कबाब। चिकन हरा भरा कबाब बनाने के लिए मैंने एक पैन को गरम करके उसमें एक टेबलस्पून ऑयल ऐड कर लिया है। जब ऑयल गरम हो गया है, फिर इसमें ऐड कर रही हूँ हाफ ए टीस्पून ऑफ क्यूमिन सीड। क्यूमिन सीड को अच्छी तरह से क्रैकल होने दूंगी। फिर इसमें मैं ऐड करूँगी रफली चॉप जिंजर एंड गार्लिक। इसको एक से दो मिनट के लिए अच्छे से सौते कर लूँगी। फिर इसमें मैं ऐड करूँगी वन बिग साइज़ ऑनियन रफली चॉप। इसको अच्छे से मिक्स करूंगी, फिर थोड़ी सी सॉल्ट ऐड करके इसको ट्रांसल्यूसेंट होने तक भून लूंगी। जब ये ट्रांसल्यूसेंट हो जाएंगे, फिर इसमें मैं कटे हुए वेजिटेबल्स ऐड कर लूंगी। वेजिटेबल्स में मैंने लिया है फ्रेंच बीन, ग्रीन पीस एंड कैप्सिकम। इन सारे वेजिटेबल्स को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी एंड एक से दो मिनट के लिए इसको रोस्ट होने दूंगी। जो भी मैंने वेजिटेबल्स ऐड किए हैं या फिर जो भी मैंने इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं, उन सारे चीज़ों के मेजरमेंट्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिए हैं, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। इसके बाद मैं ऐड करूंगी जो चिकन मैंने धो के छोटे छोटे टुकड़ों में काट के रखे थे उनको। चिकन को ऐड करने के बाद मैं फ्लेम को हाई में कर दूंगी एंड चिकन को अच्छी तरह से रोस्ट कर लूंगी फॉर ए मिनट और टू। उसके बाद मैं ऐड करूंगी सारे जो पाउडर स्पाइसेस। वो पाउडर स्पाइसेस में मैं यूज़ कर रही हूँ क्यूमिन पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, गरम मसाला, चाट मसाला एंड थोड़ी सी सॉल्ट। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी और फ्लेम को थोड़ी सी सिम में कर लूँगी एंड इसको ढक के पकाऊंगी जब तक कि चिकन ऑलमोस्ट कुक ना हो जाए। चिकन इज ऑलमोस्ट कुक नाउ। नाउ इट इज़ द टाइम टू ऐड द स्पिनच लीव्स। जो पालक को मैंने अच्छी तरह से धो के सुखा के रखा था उसको मैं ऐड कर रही हूँ एंड उसके साथ ऐड कर रही हूँ वन हैंडफुल ऑफ चॉप कोरिएंडर लीव्स। इसको ढक के 3 से 4 मिनट के लिए मैं पकाने वाली हूँ अभी। आफ्टर 4 मिनट्स आप देख सकते हो पालक एकदम श्रिंक हो चुका है। अब मैं हाई कर दूंगी फ्लेम को एंड इसको 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से रोस्ट कर लूंगी सो दैट जो पानी है इसके अंदर या फिर थोड़ी सी जो मॉइस्चर होगा वो ड्राई हो जाएगा। एंड इट्स डन नाउ। अब मैं स्विच अप कर रही हूँ फ्लेम को एंड इसको अच्छी तरह से ठंडा होने दूंगी, फिर इसको ग्राइंडर में पीस लूंगी। ब्लेंडिंग के बाद मुझे ये मिक्सचर मिल गया है हरा भरा कबाब के लिए। ये बिल्कुल भी फाइन नहीं बनता है, ये ऐसा कोर्स ही रहता है एंड जो भी चंक्स आपको नज़र आ रहे हैं जब आप मिक्स करने जाओ तो हाथ से मसलने से भी वो मिक्स हो जाते हैं। तो अब इसको मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी एंड इसमें ऐड कर दूँगी 3 टेबलस्पून ऑफ बॉयल एंड मैश्ड पोटैटो एंड 1 टेबलस्पून ऑफ ब्रेड क्रम्ब। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। आप ध्यान रखिएगा ज़्यादा आलू या फिर ब्रेड क्रम्ब ऐड बिल्कुल मत कीजिएगा, अदरवाइज जो क्रीमी टेक्सचर होता है हरा भरा कबाब का वो नहीं आएगा। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जैसे आटे का डो से आप पेड़ा बनाते हैं वैसे ही पेड़ा बना लीजिए एंड सारे पेड़े बनाने के बाद इसके सेंटर में एक कैश्यू पेस्ट कर लीजिए एंड उसके बाद इसको ब्रेड क्रम्ब में अच्छी तरह से कोट कर लीजिए। फिर हम चलेंगे बेकिंग के प्रोसेस में। बेकिंग के लिए मैंने ओवन को प्रीहीट कर लिया है 170 डिग्री सेंटीग्रेड में 15 मिनट्स के लिए एंड अभी एक बेकिंग ट्रे में मैंने पार्चमेंट पेपर को प्लेस करके उसमें थोड़ी सी ऑयल अप्लाई कर ली थी एंड उसके ऊपर मैं जो ब्रेड क्रम्ब में कोटेड हरा भरा कबाब है उनको प्लेस कर रही हूँ एंड इसके ऊपर भी हरा भरा कबाब के ऊपर में एक लेयर आप ऑयल ब्रश कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर कर रही हूँ ऑयल बिल्कुल ना ब्रश करूँ क्योंकि आप जब ओवन में एक साइड बेक होने के बाद दूसरे साइड फ्लिप करेंगे तो उसमें ही वो हो जाएगा, ऑयल की और ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि ऊपर वाला कोटिंग जो ब्रेड क्रम्ब का है वो भी एकदम ग्रीनिश ग्रीनिश आए या फिर थोड़ी सी ब्राउन ब्राउन आए
तो फिर आप ऑयल ब्रश कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रिफर कर रही हूँ मैं बिल्कुल भी ऑयल ऐड ना करूँ। अब मैं ये बेकिंग ट्रे को ओवन के अंदर प्लेस कर रही हूँ एंड 15 मिनट के लिए 170 डिग्री सेंटीग्रेड में एक साइड को बेक होने दूंगी एंड उसके बाद इसको निकाल के दूसरी साइड को फ्लिप करके अगेन और 15 मिनट्स के लिए बेक कर लूंगी। सो गाइज, आफ्टर 30 मिनट्स द चिकन हरा भरा कबाब इज़ रेडी टू सर्व एंड आप देख सकते हो ये बाहर से कितना क्रिस्पी बना है एंड अंदर से बहुत ही क्रीमी टेक्सचर है एंड जैसे कि आपके माउथ में मेल्ट कर जाने वाला हो। तो आप इसको घर में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए एंड मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए आपका हरा भरा कबाब कैसे बना है। एंड अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू विल नेवर मिस एनी अपडेट फ्रॉम माय चैनल इन फ्यूचर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।